हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक नॉलेज। में हम सभी के जीवन में आसपास विज्ञान से जुड़ी कई चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन कभी कभी ही लोग उससे जान पाते हैं। अक्सर हमारे दिमाग में किसी बात को लेकर उसके बारे में जानने की जिज्ञासा रहती है। इसी में से एक है दूध। लगभग सभी घरों में दूध का उपयोग किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है दूध को उबालते वक्त वह बर्तन से बाहर क्यों आने लगता है, जबकि पानी को उबालते वक्त वह बाहर नहीं आता है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? हम आपको बताने जा रहे हैं इसके पीछे का वैज्ञानिक रहस्य कि क्यों दूध उबलने पर ऊपर आता है लेकिन पानी नहीं। वास्तव में दूध में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और कई तरह के खनिज होते हैं। मुख्य रूप से दूध में वसा के अणु शामिल होते हैं और प्रोटीन के रूप में केसीन के अणु पाए जाते हैं। दूध में 87% पानी, 4% प्रोटीन, 5% लैक्टोज होता है। जब दूध को गर्म किया जाता है तब उसमें से पानी इवेपोरेट करना शुरू होता है और दूध में मौजूद वसा और अन्य पदार्थों के कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं। फिर वसा, प्रोटीन और खनिज अलग हो जाते हैं और चूँकि वो दूध की तुलना में हल्के होते हैं, इसलिए वो क्रीम के रूप में दूध की सतह पर इकट्ठा हो जाते हैं। दूध के ऊपर एक परत बन जाने के अंदर के वाष्प को बाहर निकलने से रोक देते हैं। दूध के ऊपर उसमें पाए जाने वाले केसीन प्रोटीन की एक परत बन जाती है। इसके बाद दूध में मौजूद पानी के मॉलिक्यूल्स दूध के अंदर ही वाष्प बन जाते हैं और फिर बाहर निकलना चाहते हैं और दूध के निचली सतह पर प्रेशर बनना शुरू कर देते हैं। बाहर निकलने का रास्ता ना मिलने पर वो वाष्प के रूप में बाहर आना चाहता है और जिसके कारण दूध बर्तन से बाहर निकल जाता है। अब आपको आश्चर्य होगा कि फिर पानी को उबालने पर ऐसा क्यों नहीं होता है, पानी बर्तन से बाहर क्यों नहीं गिरता है। दरअसल पानी में दूध की तरह कोई परत नहीं बनती है। पानी में दूध की तरह कोई प्रोटीन या वसा नहीं होती है जो गर्म करने पर उसमें ऊपर परत बन जाए। इसीलिए उसमें वाष्प को निकलने के कोई रुकावट नहीं होती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि दूध को उबालते वक्त वह बर्तन से बाहर क्यों आने लगता है, जबकि पानी को उबालते वक्त वह बाहर नहीं आता है। कैसी लगी आपको ये हमारी नॉलेज, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद।